सवा दो किलो का आता है। तो गाइज अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो मैं हूँ पहाड़ों पे। अब लोग बोलते हैं पहाड़ों पे क्या नहीं होता, लोग आते हैं और यहाँ से कट्टे भर भर के आते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़ों में क्या क्या होता है। और लोग बोलते हैं कि मतलब कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता, पहाड़ बर्बाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो जितने लोग आते हैं दिवाली की छुट्टी पे, कोई भी छुट्टी पे आते हैं, गाड़ियाँ आप देखो ना भर भर के थैल मतलब जो बड़े बड़े थैले होते हैं वो भर भर के। निहारिका बोलती है ये क्या होता है तुम्हारे पहाड़ों में, देखो अभी यहाँ इसने क्या नींबू के पेड़ों में इतने मतलब पूरी वो मचा के रखी है धूम, क्योंकि कि नींबू तोड़ के ले आऊँगी और नींबू खाऊंगी जाड़ों के टाइम पे। तो देखो कितने बड़े बड़े नींबू हुए, ये देखो इतने बड़े बड़े नींबू हैं और इसने तोड़ दिए हैं वाले नींबू। कौन से वाले जो हल्के हल्के हरे हैं? कहाँ ये पीला दिख नहीं रहा है? हल्का पीला है। तो पूरा पीला कहाँ से लाए? ये ऊपर है, दो दो ये तोड़ने से इतना ऊंचा नहीं लगा है। तो अब मैं तोड़ता हूँ क्योंकि ये तो है देसी बहू, ऐसे करना पड़ेगा काम। अब वहीं पे सर पे लगेगा कि एक बढ़िया से ऊपर कहाँ जाऊँ मैं, ऊपर नहीं जाऊँगा। आपके बस का है भी नहीं अभी। तो ये देखो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, ये देखो बड़ी बना रखी है, सारे रिश्तेदारों को भी जाएंगी ये बड़ी। ये देखो ये होता है कचालू गेठी बोलते हैं, काली रंग की बेल भी होती है। ये आलू ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा हल्का कड़वा, और ऊपर तक मतलब बेल इसकी आती है तोड़ के पेड़ के ऊपर तक लगी थी। देसी बारी बोली है कि मैं नहीं जाऊँगी गेठी, मुझे अच्छी नहीं लगती है। नींबू तोड़ा है कत्तू नींबू ले रही है, देखो थैल। हाँ तो हम कर लेते हैं ऐसे भी, हमको गेठी नहीं खानी। थैल भर में नींबू तोड़ लिए हैं इसने, ये ले आ रही है यहाँ से। ये खुशियानी, लाल खुशियानी पहाड़ वाली, अचार का पूरा डब्बा भर रखा है ना, देखो ये मिर्ची का अचार। ठीक है अभी इसने यहाँ पर भी किया हुआ है, ये भी मिर्ची यही लेके जाने वाली है ऐसे बूटी की खुशियानी बनाने के लिए। मतलब इतना है भी और भी बहुत सारा सामान है, देखते रहो आगे पहाड़ में क्या क्या होता है। ये हैं भांग के दाने, बहुत वहाँ है तो वाले। हाँ भांग के दाने ये हैं, और ये देखो ये बड़ी हो गई जो बनते ककड़ी और उड़द की दाल से। ये देखिए भट की दाल हो गई, ये भट की दुकानी और भटके डुबके निहारी के अपने वीडियो डाल डालेगी। और ये देखो ये पहाड़ी हल्दी है, ये हल्दी पिछले बार हमने खानी थी पापा और मैंने मिलके, वही वाली अभी लास्ट बची हुई है। निहारिका ने खानी, निहारिका ने खानी है, निहारिका ने खानी है, निहारिका ने खानी है, और इसमें है अखरोट। ये पूरा अखरोट है, सौ निहारिका की नज़र पड़ी है कद्दू में। ये कद्दू मतलब मुश्किल से 5 या 6 किलो का होगा ना, है 5 या 6 किलो का तो कद्दू होगा ये कम से कम, क्योंकि भाई 3 किलो नहीं, 3 किलो ज़्यादा है, कैसी बात करी, 5 किलो 6 किलो इतना तो इतना छोटा कद्दू देते हैं वो, 1 किलो का 1.5-2 किलो का आता है। 5 किलो बगैर पूछे ही इतना बड़ा कद्दू है। तो ये निहारिका की नज़र पड़ी है, कद्दू भी हमको लेके जाना है साथ साथ में। नहीं कतरने यार, ये पिनाव तो हो ही है। अब यहाँ देखो यहाँ हम लोग खोदने लग गए हैं, लगे हुए पिनाव। पापा फिर से पिछले से मेरे को सिखा रहे ना हल्दी खोदना, वैसे ही सिखाएंगे पिनाव खोदना। इसमें तो हो ही नहीं रखे पिनाव, कम हो रहे हैं, 2 ही पिनाव निकले देखो इसमें से। ये पिनाव क्या हमारे यहाँ अरबी होती है, अरबी से बहुत बड़ा होता है, थोड़ा खाने में बड़ा मज़ा आता है ऐसे घुट के, मतलब आलू को जैसे फ्राई करते हैं ना वैसे ही पिनाव को भी फ्राई करते हैं। 3 निकल गए, साथ में लाई लगी हुई है। ये है जिसका पेड़ तना वो पूरा ग्रीन होता है वो होता है पिनौना पापा, और जिसका तना होता है वो भूरा, सामने भूरा नहीं डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन जिसका होता है कोना, ये
ये होती है गडेरी जो मतलब बड़ी वाली अरबी होती है, वो हमारे घर में मतलब कम लगी हुई है तो हम बाज़ार से खरीद के लेके आए हैं। वो सारा सामान गैत की दाल और वो रखा हुआ है उसमें। तो दूसरे वाले को डर रहा है, पहले वाले में निकले चार, दूसरे वाले में देख कितने निकले, एक ये सही निकल गया, निकल गया दो वाले छोड़ोगे हाँ तुम इनको, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा निकले, दस पूरे दस पिनालू वाए निकल गए, और दस के ग्यारह और बारह तेरह पिनालू वाए निकल गए और निकल रहे हैं, तेरह चौदह, अगर ऐसे पेड़ हो जाए मतलब एक पेड़ पे सफेद वाला है पंद्रह, ये देखो पंद्रह हो गए। अरबी जो देश में मिलती है हाँ, नहीं वाली नहीं है, दूसरी अरबी होती है, अली ये मासी में होती है हाँ, मासी का तो ऐसा पंद्रह, अगर ऐसे किसी हर किसान के अंदर पेड़ पे ऐसे पंद्रह पंद्रह निकले तो उसको फ़ायदा होता है। अगर वैसे निकले तीन तो पहले वाले में चार निकले थे, इसमें पंद्रह निकल गए। तो देखो तीन पेड़ खोदने के बाद करीब पापा चार किलो का चार किलो पिंडालू वहाँ निकले, मतलब ये अरबी ऐसी होती है लेकिन इसका स्वाद थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको ना ऐसे खुशक मतलब तेल में हल्का फ्राई करके उबाल के हाँ आलू जैसे फ्राई बनाते हैं वैसे इसका भी बनता है और बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो इतना हमारा निकल गया, इतना हम काफ़ी है लखनऊ जाने के लिए। इसी श्रृंखला में जो हमने गेंद बाज़ार से खरीदी थी, हमारे घर में नहीं होती है, वो हमने ये खरीदी है झाड़ू तक, देखो यहाँ से जा रहा है ज्वार वाला, ये झाड़ू थोड़ा अच्छा होता है, ये गडेरी अच्छा बना है ना देखिए हाँ, ये कितना मजा हाँ। तो ये हमारी गडेरी है, साथ में देखिए ये हमारे द्वाराहाट में ना मूली काफ़ी फेमस होती है, ये तो ये मूली है बहुत ज़बरदस्त वाली मीठी मीठी। तो ये अभी तक इतना आइटम है और आगे देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए ये आगे केले भी, तो मतलब इतना सारा आइटम पहाड़ में होता है और लोग बोलते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं होता। मेरा काम था दिखाना क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही गाड़ी की छत भर भर के ऐसे लेके जाएंगे, अभी दिखाता हूँ गाड़ी में जब जाएंगे ना तो गाड़ी में कैसे पक के ले जाएंगे हम ये सब चीज़ें। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जो बताइएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि पहाड़ में क्या क्या धन धान्य होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय देवभूमि जय उत्तराखंड।